समक्ष देख रहे हैं ये बांझ का वृक्ष है और 150 ईस्वी पूर्व कालिदास ने इस गांव में जन्म लिया। और जो आप वृक्ष की कहानी सुनोगी, आपने दंत कहानी सुनी होगी कि कालिदास जी जिस वृक्ष में जाते हैं टहनी में खड़े होते हैं और उसी टहनी को काटते हैं, ये वही वृक्ष है, बांझ का वृक्ष है। ये तब से और अभी तक बिल्कुल हरा भरा और हमारे समक्ष एकदम जिंदा पेड़ भी खड़ा है और 150 ईस्वी पूर्व से अभी तक है ये हमारे लिए समक्ष जमी।